हेलो फ्रेंड्स, गुड डे एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सालार लतीफ द व्लॉगर। और आज इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वापडा थर्मल पावर स्टेशन की रेजिडेंशियल कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ से। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का। इससे कबल वापडा TPS कॉलोनी गुड्डू की वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जामशोरो की जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका, आज तक ज़रूर बनाऊंगा। जहां तक थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ की रेजिडेंशियल कॉलोनी का सवाल है, तो बचपन से लेकर सुनते आ रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपके हुजूर अर्ज रखा था कि आपके जो फादर हैं उनका प्रोफेशन आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखता है। तो सिमिलरली वालिद साहब की पोस्टिंग मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर स्टेशन में है। तो पहले वी वर बेस्ड इन गुड्डू, लेकिन नाउ माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। तो इससे कबल यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं रहा, मेरा फर्स्ट टाइम ही आना हुआ है। आई डोंट नो ये कॉलोनी कैसी है, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा था, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी अपने हमराह रखूँ और उनको भी इस कॉलोनी का एक रोड ट्रिप दे दूँ। आई एम गोइंग टू विजिट दिस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद यू पीपल। देखते हैं कैसा एक्सपोजर है इस कॉलोनी का, गुड्डू और जामशोरो की जो थर्मल पावर स्टेशन कॉलोनीज हैं उनसे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो आइए चलते हैं, इस कॉलोनी को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये कॉलोनी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ द ब्लॉगर। फ्रेंड्स, ये मेरे अकब में आपको थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी नज़र आती होगी। तो ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है और मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, दोनों इतने डिस्टेंट नहीं हैं, बीच में सिर्फ एक सड़क जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पर वाक़ हैं। मुजफ्फरगढ़ में इनकी लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये जो मेन N70 हाईवे है उसकी एक तरफ मुजफ्फरगढ़ सिटी है और दूसरी तरफ ये पावर स्टेशन और कॉलोनी वाक़ है। यानी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेरा गाजी खान टू मुल्तान, तो हमारे लेफ्ट साइड पर मुजफ्फरगढ़ बाईपास से ही मुजफ्फरगढ़ कोट दू लिंक रोड जाती है, जिसको महमूद कोट रोड भी कहा जाता है। उसी रोड पर टर्न होंगे तो एक साइड वापडा रेजिडेंशियल कॉलोनी यानी जहां पर हम अभी खड़े हैं वो वाक़ है, और उसके बिल्कुल अपोजिट में पावर स्टेशन वाक़ है। सिमिलरली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू डेरा गाजी खान, तो मुजफ्फरगढ़ बाईपास पर हमारे लेफ्ट साइड पर मुजफ्फरगढ़ सिटी आ जाता है और राइट साइड पर मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू रोड आ जाता है, जिसके ऊपर कॉलोनी और पावर स्टेशन मौजूद है। तो आइए चलते हैं, इस कॉलोनी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये कैसी है। फ्रेंड्स, ये है मुजफ्फरगढ़ का TPS रेजिडेंशियल कॉलोनी, जो इस वक्त उसके मेन एंट्रेंस से एंटर होते हुए मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सनलाइट हमारे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, तो वो वीडियो में डिस्टर्बेंस का बायस बन रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं अंदर जाकर इस कॉलोनी के रास्ते दिखा रहा हूँ, और बजाय इसके कि हम मेन गेट से अंदर हो के एंटर और उसके बाद फिर आपको दिखाऊं, इससे बेहतर है कि मैं कॉलोनी के एंड में जाकर फिर वापस हम गेट की तरफ जब जाएंगे तो सनलाइट ने हमारे बैक साइड पे हो जाना है, तो फिर वीडियो में आसानी होगी। तो ये जी अंदर के रास्ते हैं मुजफ्फरगढ़ रेजिडेंशियल कॉलोनी के। ये इस वक्त हमारे राइट साइड पर वापडा ऑफिसर्स क्लब है,
जिससे मुतसिल यहाँ का रेस्ट हाउस है, और इसके ऑपोजिट में ही फिर ये एक प्ले ग्राउंड सा है, जिसके बाद फिर जो ऑफिसर्स बैंगलो कैटेगरी है वो दिखाई दे रही है यहाँ से। और ये फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर बात की जाए तो एंटर होते हुए ही ये चीज़ महसूस की है मैंने कि जामशोरो पावर स्टेशन का जो कॉलोनी है और गुड्डू का जो कॉलोनी है उससे ज़्यादा यहाँ पर मेंटेनेंस है, और अंदर जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी और उनकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू गुड्डू स्पेशली, बिकॉज वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती। ये जी यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के कॉलोनी में मैंने एक चीज़ जो दीगर कॉलोनी से डिफरेंट देखी है कि यहाँ पर वैसे जो ब्लॉक्स में तकसीम हुए होते हैं डिफरेंट क्वार्टर्स एंड बैंगलोर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ दैट जो ब्लॉक्स हैं उनके मेरे ख्याल बी सी डी ई एन एफ टाइप क्वार्टर्स एंड बैंगलोर्स, उसके अलावा यहाँ पर ये ब्लॉक्स डिफरेंट भी हैं। ये मुझे चीज़ यहाँ इस कॉलोनी में फ़र्स्ट टाइम ही नज़र आई है, इससे कबल जामशोरो या गुड्डू में ये चीज़ मुझे नहीं नज़र आई। मुजफ्फरगढ़ की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है अगर मेंटेनेंस के एतबार से देखी जाए तो आई वुड रेट इट एज़ बेस्ट कॉलोनीज आई हैव एवर सीन। बहुत वेल मेंटेन है और साफ़ सुथरी कॉलोनी है। जहाँ तक इसकी एरिया का ताल्लुक है तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद अब्दुल कुद्दूस अर्लियर, तो मेरा जो ख़्याल है वो ये है कि गुड्डू और जामशोरो से छोटी कॉलोनी है, लेकिन अब्दुल कुद्दूस वाज ऑफ ओपिनियन के इस कॉलोनी की जो एरिया है वो जामशोरो कॉलोनी से बड़ी है। सो वी बोथ फाइनली डिसाइडेड टू डिस्कस इट विद आर फादर, क्योंकि फैक्ट्स देखे जाएंगे कि इसकी एरिया टोटल कितनी है तो फिर अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी कॉलोनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यह है कि कॉलोनी का ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है सफाई सुथराई है, कुशादा सड़कें हैं और सड़कों की जो कंडीशन है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ग्रीनरी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जिनके बायस मेरा ख़्याल है जो ये मुजफ्फरगढ़ की रेजिडेंशियल कॉलोनी है दैट बिकम्स सो वर्सटाइल फ्रॉम अदर कॉलोनीज। तो फर्दर आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये कॉलोनी कैसी है और अपनी राय का जो इजहार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और हमारे वो व्यूअर्स जिनको दीगर जो कॉलोनीज़ हैं गुड्डू लाखड़ा जामशोरो इवन मेरा ख्याल है कोठरी में आई डोंट नो अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी है या नहीं है, लेकिन उनके बनिस्बत मुजफ्फरगढ़ कॉलोनी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो यहाँ पर एक बस खड़ी है टीपीएस मुजफ्फरगढ़ की, इट रिमाइंड्स मी ऑफ पॉइंट बस ऑफ नमल इस्लामाबाद, एग्जैक्टली द सेम बस, लेकिन बस इस पर जैनको 3 TPS मुजफ्फराबाद लिखा हुआ है और उन पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये पता नहीं दूर से ऐसा लग रहा था जैसे नमल की पॉइंट बस खड़ी हो, लेकिन जब नज़दीक आया तो पता लगा नहीं ये मुजफ्फरगढ़ की बस है। इंटरेस्टिंग इट इज़। मेन सड़क है कॉलोनी की विच लीड्स टू आर्ड्स मेन गेट, अगर हम अंदर से
कॉलोनी के बाहर की तरफ ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर हम मेन गेट से कॉलोनी में एंटर होंगे तो ये वो सड़क है जहाँ से हम इस तरफ आएंगे, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो ये मेन सड़क में हमें इस कॉलोनी की दो मार्केट्स जो मेन हैं वो नज़र आई हैं, एक जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो वहाँ पर है, और दूसरा इस रोड के बिल्कुल एंड में मार्केट वाकई है। इसके अलावा हमें छोटे छोटे शॉप्स जो हैं वो घरों के नज़दीक नज़र आए हैं, लेकिन वो भी बज़ाहिर ये लगता है कि बहुत रेगुलेटेड हैं, इनक्रोच्ड नहीं हैं, अंदर उनको अपनी हदूद में ही रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे डिफरेंट फील हुई हैं फ्रॉम गुड्डू और जामशोरो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दिस इज़ माय फर्स्ट इम्प्रेशन, मैं इस कॉलोनी से वाकिफ नहीं हूँ, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, तो इसलिए जब अभी यहाँ पर अगर रिहाइश का मौका मिला तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो फिल वक्त यहाँ पर मेरा फ़र्स्ट टाइम ही आना हुआ है और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आना हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि माई फ़ादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र्ड हेयर, तो हो सकता है कि यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जाए फैमिली के साथ। तो मज़ीद भी इस कॉलोनी के हमरा इस ये जो लोकल एरिया है इसको भी एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। ये अभी जो है वाबडा फोर्टिफाइड डिस्पेंसरी है जो हमारे इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पर है, जहाँ पर डेंटल सेक्शन भी है, मेरे ख्याल है एक्सरेज़ वगैरह का भी तذکرہ था इस बोर्ड्स पर। तो ये तमाम तर सहूलियात यहीं पर मौजूद हैं, और जैसे ही हम डिस्पेंसरी क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल इस रोड के एंड पर ये जो गाड़ी जा रही है उससे आगे मेन गेट वाकई है, और अगर यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे तो ये वाबडा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर। ये भी देख सकते हैं आपके बहुत वेल मेंटेन लग रहा है, ये इसकी यहाँ पर बस भी खड़ी है, थर्मल पावर स्टेशन मुजफ़्फ़रगढ़ इस पर लिखा हुआ है। और अगेन ये जो फिर रास्ता है ये हमें लीड करेगा सामने, जो आपको अगर इस रोड के एंड पर गेट नज़र आ रहा है तो वो वाबडा ऑफिसर्स क्लब का गेट है, और उसके बराबर में ही वाबडा रेस्ट हाउस है, ऑफिसर्स हॉस्टल भी उसी तरफ है, और फिर अगर हॉस्टल से हम सीधे जाएंगे तो वापस हम मेन गेट पर ही पहुंच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुख्तसर कॉलोनी है, लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि वी हैव नॉट कंक्लूडेड येट के एरिया वाइज मुजफ़्फ़रगढ़ की कॉलोनी बड़ी है, जामशोरों की बड़ी है, इट्स येट टू बी डिसाइडेड। लेकिन ये चीज़ तय है कि गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की कॉलोनी से छोटी ही एरिया है इसकी, यानी कम एरिया है। ये वाबडा रेस्ट हाउस एंड ऑफिसर्स क्लब है, ये दोनों एक ही टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं, और ये अगर यहाँ से हम टर्न करेंगे तो आगे ये जो आपको एक बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है उसके बाद फिर कॉलोनी की हदूद ख़त्म हो रही हैं। बाहर मुजफ़्फ़रगढ़ कोर्ट अद्दू रोड है जिसको महमूद कोर्ट रोड भी कहा जाता है, और ये राइट साइड पर वाबडा ऑफिसर्स हॉस्टल है, और लेफ़्ट साइड पर वाबडा रेस्ट हाउस है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं राइट साइड पर टर्न हो रहा है, इट विल लीड अस टुवर्ड्स मेन गेट।